राजधानी रायपुर में पुराने विवाद को लेकर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी पवन साहू उर्फ जहीला को गंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की। बिलासपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को जोरदार टक्कर मार दी, इससे तीन लोग घायल हो गए। डायल 112 की टीम ने घायलों को इलाज के लिए बिल्हा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना रहेंगी मोड़ के पास की है। बिलासपुर में पारिवारिक विवाद के कारण परेशान होकर युवती ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया है, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। परिजन ने उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए डायल 112 को फोन कर घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस की टीम ने युवती को सीएमसी में भर्ती कराया है। नगर पुलिस अधीक्षक चकर भांटा के निर्देश पर हिर्री पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी ने घेराबंदी कर एक ट्रक को रोककर पूछताछ की। ट्रक की जांच कर ट्रक से लगभग 4.5 टन अवैध कबाड़ को जब्त कर पुलिस ने ट्रक मालिक पुन्नीराम ध्रुव को गिरफ्तार किया है। जसपुर में पति के मोबाइल में बात किए जाने के संदेह में महिला द्वारा विवाद किए जाने से शर्मिंदा होकर आईटीआई की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। मामले में कार्रवाई करते हुए बगीचा पुलिस ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में दंपत्ति के खिलाफ अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी जिले की कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी अरविंद चतुर्वेदी के पास मकई तालाब पारा धमतरी निवासी को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आदतन गैर हाजिर रहने वाले जिले के दो नौ आरक्षक देवरत सिंह 633 व विक्रम सिंह 77 को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने एवं आचरण में सुधार नहीं होने पर बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्री नारायण मीणा के द्वारा सेवा से पृथक कर दिया गया। जगदलपुर के करपावन थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद को लेकर युवक ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस कुल्हाड़ी से युवक ने पत्नी की हत्या की थी उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बालोद जिले के कंवर चौकी क्षेत्र में एक युवक ने अपने पिता की हत्या कर दी। उसने अपने पिता के गले में कुल्हाड़ी मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी बेटे का कहना है कि मुझे शक है कि मेरा पिता जादू टोना करता था। पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा के कुंडला थाना क्षेत्र में 60 डिसमिल जमीन के लिए एक महिला की कुदाली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद उसके शव को खेत में फेंक दिया गया। पुलिस ने करीब 9 माह बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि विवाद के दौरान महिला द्वारा थप्पड़ मारने से उससे गुस्सा आ गया था। दंतेवाड़ा जिले में ग्रामीणों ने पुलिस पर फर्जी सरेंडर का आरोप लगाकर चक्का जाम किया है। दंतेवाड़ा बचेली मुख्य मार्ग पर करीब 2 घंटे तक ग्रामीण पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर धरने पर बैठे रहे। हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया है। सरगुजा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नवा बिहान नशा मुक्ति अभियान के तहत बुधवार को पुलिस ने 5 लाख कीमत की 25 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक औपचारिक बालक तथा देवीगंज रोड निवासी राजकिशोर गुप्ता को गिरफ्तार किया है। दोनों ब्राउन शुगर बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। कोरबा की साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की गेवरा व दीपका खदान से कोयला परिवहन में लगे भारी वाहनों के आवागमन से प्रदूषण फैल रहा है। कोयले व सड़क की धूल उड़कर कॉलोनी तक पहुंच रही है। इससे नाराज महिलाओं ने कॉलोनी से गुजरने वाली सड़क में खड़े होकर जाम लगा दिया। जांजगीर जिले की सारागांव थाना क्षेत्र में शादीशुदा महिला से रेप का मामला सामने आया है। महिला के जेठ पर ही उसे रेप करने का आरोप है। महिला ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। किसानों को गन्ना बिक्री हेतु फर्जी शेयर प्रमाण पत्र देकर
63,000 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को कवर्धा जिले की पंडरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से फर्जी प्रमाण पत्र व दस्तावेज तथा सील पुलिस ने जब्त किया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने धर्मांतरण के बढ़ावा देने के संबंध में विज्ञापन प्रसारण करने के विरोध में बुधवार को श्री वेंकटेश्वर टॉकीज पेले का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने सिनेमाघर प्रबंधक एवं धर्मांतरण के खिलाफ नारेबाजी की। कड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान सिनेमाघर प्रबंधक सामने आए एवं लिखित में माफी मांगी और ऐसी गलती दोबारा नहीं करने का आश्वासन दिया। संतान प्राप्ति के नाम से झाड़ फूक एवं जड़ी बूटी से इलाज करने का झांसा देकर महिला से छेड़छाड़ करने एवं पैसा ऐंठने वाले बाबा व उसकी पत्नी को राजनांदगांव कोतवाली थाना पुलिस निरीक्षक अलेक्जेंडर किर्रो ने थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी चिखली शक्ति सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी चंदू बाबा एवं उसकी पत्नी मुन्नी सेन को उनके गृह ग्राम सिलगढ़ जिला बेमेतरा से गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ पुलिस व साइबर सेल ने मुखबिर द्वारा बताया स्थान बुधवारी पारा वार्ड 14 डोंगरगढ़ आरोपी कृष्ण गुप्ता एवं बंटी के घर के सामने गली में घेराबंदी कर आरोपी कृष्णन को गिरफ्तार किया है। राजधानी रायपुर की गोड़गढ़ थाना पुलिस की टीम द्वारा मालवीय रोड स्थित पूनम भोजनालय गली में जीतू और जितेंद्र गुप्ता को पकड़कर उसके कब्जे से अवैध रूप से 31 पवो अंग्रेजी शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर के तहसीलदार ने 24 मार्च 2022 को वंदना हॉस्पिटल प्रबंधन को खाली कराने का आदेश जारी किया है। 11 अप्रैल से पहले भवन खाली कराकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद NHIA ने गुरुवार को टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी। 1 अप्रैल को छोटी गाड़ियों में 5 रुपए और बड़ी गाड़ियों में 10 से 15 रुपए तक का टैक्स बढ़ जाएगा। आदेश के अनुसार 4 पहिया वाहनों से आना जाना करने पर 5 रुपए अधिक देने होंगे। वहीं बड़े वाहनों के लिए अब 20 से 40 रुपए तक अधिक टैक्स देना होगा। बिलासपुर जिले की पचपड़ी थाना पुलिस ने बेकसूर लोगों को अवैध शराब की बिक्री के नाम पर मोटी रकम की वसूली का झूठे मामले में फंसाने का काम कर रही है। पचपड़ी थाना के आरक्षक भानु प्रताप डहरिया ने बताया, ग्राम जोधरा और मनवा के ग्रामीणों को लगातार फंसाने का षड्यंत्र रचकर किया जा रहा है। मस्तूरी तहसील के ग्राम जोधरा निवासी प्रेम कुमार पटेल ने आरक्षकों के खिलाफ शिकायत की है। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक अमित सिंह ने मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध दीपक वारे नामक व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़कर उसकी तलाशी लेकर 18 पत्ती जिसमें कुल 432 कैप्सूल कीमत 426 रुपए को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है।